Stanley on Bible presents Sound Doctrine, Swast Siddhant, Lessons prepared by R. Stanley, a building engineer turned Bible teacher. तैयार किए गए पाठ द्वारा आर स्टैनली भवन इंजीनियर बने बाइबल शिक्षक. स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है. परमेश्वर को उसके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद दें कि लगातार हम उसमें से अपने को सुधारने वाली शिक्षाओं को ग्रहण कर पाते हैं. पिछले सप्ताह हम लोगों ने एक नया विषय आरंभ किया और वो था योजनाएं बनाना. हां प्रियो, योजनाएं बनाना मनुष्य जीवन के लिए बेहद जरूरी बात और साथ ही उतनी ही नाजुक बात भी है. एक कहावत है, यदि हम अपने जीवन के लिए योजनाएं बनाने में असफल हो जाते हैं तो वास्तव में हम लोग असफल होने की योजना बनाते हैं. मैं फिर से दोहराऊंगा इस बात को, ध्यान से सुनिए. यदि हम अपने जीवन में योजना बनाने में असफल हो जाते हैं तो वास्तव में हमने अपने जीवन में असफल होने की योजना बना रखे हैं. और बेहद जरूरी हो जाता है इसीलिए कि हम अपने जीवन में योजना बनाते समय परमेश्वर की इच्छा को जाने. पिछले पाठ से यह बात स्पष्ट हो गई थी कि हमारे जीवन की योजना स्थिर रहे और हम अपने जीवन में सामर्थ्य और विजयी रूप से आगे बढ़ते रहें, इसलिए जरूरी है कि परमेश्वर की इच्छा को जाने. याद करिए, हमारा मसीही जीवन में शुरुआत कैसी हुई थी. जिस दिन हम लोगों ने एक चुनाव किया था, शैतान या परमेश्वर, और जिस दिन हमने शैतान को दूर निकालकर परमेश्वर को अपनाया, उस दिन मसीह में हमारा जन्म हुआ. उस दिन से लेकर आज तक हम लोग अपने मसीही जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं. और जब हम मसीह जीवन में बढ़ रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, तब भी हमें चुनाव करना है. और अब हमें चुनाव करना है कि हम संसार को लें या परमेश्वर को लें. संसार की बातें एक तरफ खींच रही हैं और परमेश्वर की बातें दूसरी ओर, और इसी बीच में द्वंद है. और अब हमारी बात है कि हम क्या चुनाव करते हैं, और जैसा हमारा चुनाव रहेगा हमारे जीवन की दिशा उस ओर जाएगी और उसी प्रकार से उसका फल भी हमको नजर आता है. मैं आपको पहला यूहन्ना और उसका दूसरा अध्याय और उसके 16वें और 17वें वचन को पढ़ करके सुनाता हूं. जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड. तो संसार में ये तीन बातें पाई जाती हैं. एक में लिखा है शरीर की अभिलाषा, दूसरी है आंखों की अभिलाषा, और तीसरा है जीविका का घमंड. वह पिता की ओर से नहीं है. ये तीनों बातें जो हैं, ये परमेश्वर पिता की ओर से नहीं है, परंतु संसार ही की और संसार ही से है. इनका परमेश्वर से कोई नाता नहीं है. अब ध्यान रखिए कि आप अगर इन बातों को ध्यान में रख करके अपने जीवन को चला रहे हैं, शरीर की अभिलाषा जहां पूरी हो रही है, आंखों की अभिलाषा जहां पूरी हो रही है, जहां जीविका का घमंड हो रहा है, यदि इन बातों के पीछे चलते हैं, मतलब हमने परमेश्वर को ठुकराया है. अपने जीवन की योजनाएं बनाने से पहले बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जान लें. बिल्कुल इसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रख करके हम इन पाठों को आपके लिए तैयार करके लाए हैं. हम सीख रहे हैं योजना कैसे न बनाएं, हाउ नॉट टू प्लान. पिछले सप्ताह हम लोगों ने इसका पहला पाठ सीखा था. लास्ट वीक वी हैव सीन द फर्स्ट लेसन एंड दैट वाज डू नॉट इग्नोर द जनरल बाइबल टीचिंग्स. बाइबल की सामान्य शिक्षाओं की उपेक्षा न करें.
टुडे वी आर गोइंग टू सी द सेकेंड लेसन. आज हम लोग इसी के अंतर्गत दूसरा पार्ट सीखने वाले हैं, एंड दैट इज डू नॉट प्रे जस्ट फॉर एंडोर्समेंट ऑफ योर प्लान्स. हम परमेश्वर से प्रार्थना केवल अपनी योजनाओं के लिए परमेश्वर के समर्थन को प्राप्त करने के लिए न करें. आई रिपीट, मैं इसे दोहराता हूं, डू नॉट प्रे जस्ट फॉर गॉड्स एंडोर्समेंट ऑन योर प्लान. परमेश्वर से प्रार्थना केवल इसीलिए न करें कि आपकी योजनाओं के लिए उसका समर्थन आपको प्राप्त हो. मैं पुराने नियम में यहीजकेल नबी की पुस्तक और उसके 14वें अध्याय का एक भाग आपको बताता हूं कि कितनी भयानक बात है यदि हम अपने मन में इच्छाओं को लेकर, अपनी आकांक्षाओं को लेकर, अपनी योजनाओं को लेकर परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं. 4वें वचन से आगे देखिए लिखा है, इसीलिए तू उनसे कह, परमेश्वर यहोवा कह रहा है नबी से कि तू जा करके कह दे लोगों से, इज़राइल के घराने में से जो कोई अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित करके. बहुत से लोग समझते हैं मूर्तियां केवल वो होती हैं जो पत्थर की बनी है, लकड़ी की बनी है, अलग अलग धातुओं की बनी है और आंखों से नजर आती हैं. यहां पर परमेश्वर उन मूर्तियों की बात कर रहा है जो मन में स्थापित की गई हैं. तो परमेश्वर ने अपने नबी से देखिए क्या कहा, इज़राइल के घराने से कह, मेरे अपने लोगों से कह, मेरी प्रजा से कह, जो कोई अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित करके और अपने अधर्म के ठोकर अपने सामने रखकर भविष्यवक्ता के पास आए, उसको मैं यहोवा उसकी बहुत सी मूर्तों के अनुसार ही उत्तर दूंगा. इससे यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि परमेश्वर हमारे मन के भीतर क्या है सब जानता है, हमारे मन के अंदर की एक एक बात को जानता है. और यदि हम इन बातों को अपने मन में रख करके प्रभु के दासों के सामने जाएं, प्रभु के नबियों के सामने जाकर के उनसे विनती करने लगे कि हमारे लिए भी दुआ मांगो, तो क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा? परमेश्वर मन को जांचने वाला है और तुम्हारे शब्द पहुंचने के पहले मन की तस्वीर नजर आ रही है, मन में स्थापित किए अलग अलग मूर्तियां नजर आ रही हैं. हमारे मन के अंदर इच्छाएं हैं, हमारे अंदर आकांक्षाएं हैं, हमारे भीतर अभिलाषाएं हैं, हमारे अंदर लालसाएं हैं. यही सारी मूर्तियां हैं जिनके लिए हमारा मन लगा रहता है, जिनकी मानो हम पूजा करते हैं. परमेश्वर कहता है तुम्हारी इन्हीं मूर्तियों के अनुसार मैं तुम्हें उत्तर दूंगा. जब तुम लोग प्रभु के नबियों के पास में आओगे तो मैं प्रभु के नबियों को, परमेश्वर कहता है, मैं अपने नबियों को बोलूंगा कि इनके लिए ऐसी ऐसी बातें कहो. मेरे प्रियो, यदि हमने अपने जीवन में ऐसी ऐसी लालसाएं और अभिलाषाओं को स्थान देकर के रखा है, वास्तव में मूर्तियां मन में स्थापित कर ली हैं, तो यह हमारे लिए फंदा बन जाता है, एक ट्रैप बन जाता है, हम उसमें फंस जाते हैं. क्योंकि बाइबल में देखिए 5वें वचन में आगे लिखा है, परमेश्वर कहता है मैं उन्हीं के मन के द्वारा उन्हें फंसाऊंगा. परमेश्वर को अलग से एक दंड भेजने की जरूरत नहीं, मानो हम खुद ही अपने लिए फंदा बना लिए और उस फंदे में फंस करके परमेश्वर के सम्मुख उन मूर्तियों के साथ में पहुंच जाते हैं. मेरे प्रियो, मैं फिर से कहता हूं, अपने जीवन को परमेश्वर के सामने खुला रखें, अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खुला रखें. और जैसे पिछले पाठ में हमने देखा, परमेश्वर का यहां पर होना, प्रभु यीशु का हमारे जीवन के सिंहासन में होना बेहद जरूरी है. अब एक प्रश्न उठता है कि क्या हम अपने जीवन में इच्छाएं नहीं कर सकते? क्या हमारे जीवन की कुछ आकांक्षाएं नहीं हो सकती हैं? रख सकते हैं, हमारे जीवन की अपनी इच्छाएं रख सकते हैं, परंतु एक बात को जरूर ध्यान में रखिएगा कि वे सारी इच्छाएं परमेश्वर को समर्पित होनी चाहिए. आपने परमेश्वर के सामने कभी कोई समर्पण किया है? याद करिए उस घटना को. आपने वेदी पर ले जा करके कुछ दे दिया, कुछ अर्पण कर दिया, कुछ समर्पण कर दिया, कोई वस्तु थी, कुछ पैसे थे, कुछ भी हो सकता है. आपने वेदी पर रखने के बाद में
क्या पलट पलट करके देखा कि हाय मैंने क्या रख दिया वहां से उठा लूं? परमेश्वर की वेदी पर ला करके जब आपने दिया तो उसे समर्पित कर दिया, उसको दे दिया, अब वो परमेश्वर की है। अपने जीवन के विषय में भी मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अपने जीवन का समर्पण कर दीजिए, पूरी रीति से उसके हाथ में दे दीजिए और फिर पूरा भरोसा उसके ऊपर रखिए। बाइबल हमको यही सिखाती है। मेरे साथ में खोलिएगा भजन संहिता और उसका 37वां अध्याय, 5वें वचन में यूं लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर डाल दे। मार्ग की चिंता का मतलब है जीवन मार्ग की। हम लोग अक्सर चिंता करते हैं कि कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहां रहेंगे। बहुत सारी चिंताएं लगी रहती हैं भविष्य के लिए, भविष्य की बातों को लेकर के सोचते रहते हैं, लेकिन बाइबल कहती है अपने भविष्य के जीवन की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर पूरा भरोसा रख, क्योंकि वही पूरा करेगा। हमारे जीवन के लिए हम लोग योजनाएं बनाने बैठ जाते हैं, लेकिन बाइबल कहती है चिंता मत कर, परमेश्वर यहोवा पर भरोसा कर और तब तेरे लिए अद्भुत मार्ग वही निकालेगा। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, यदि हम परमेश्वर पर पूरा भरोसा नहीं रखते हैं, तो वास्तव में ये कर रहे हैं कि हम अपनी योजनाएं ले जाकर के प्रार्थना में प्रभु जी से कहते हैं, प्रभु जी ये हमारी योजना है हमारे जीवन के लिए, इस पर जरा हस्ताक्षर कर दो, इस पर एंडोर्समेंट कर दो, इस पर अपनी सहमति जाहिर कर दो कि ये वाली बातें मेरे जीवन में हो जाएगी। प्रियो, मैं फिर से आपको चेतावनी देता हूं, सतर्क करना चाहता हूं और आज के पाठ को याद दिलाना चाहता हूं, डू नॉट प्रे जस्ट फॉर गॉड्स एंडोर्समेंट ऑन योर प्लान्स। परमेश्वर से प्रार्थना केवल इस बात के लिए ना करें कि आपकी बनाई हुई योजना पर वो अपने समर्थन का सिक्का लगा दे। बाइबल हमें सिखा रही है कि हम परमेश्वर के सामने खामोशी से उसकी इच्छा का और उसके वचन का इंतजार करें, क्योंकि परमेश्वर स्वयं है जो हमारे जीवन के लिए अपनी योजनाएं लिखता है। फिलिपियों की पत्री और उसके दूसरे अध्याय के 13वें वचन में देखिए क्या लिखा है, परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और सामर्थ दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। परमेश्वर ने सबसे पहले अपनी योजना को डाला, अपने उद्देश्य को डाला, अपनी इच्छा को डाला और लिखा है उसको पूरा करने की क्षमता भी देता है, उसके लिए हमें पर्याप्त गुण देता है, उसके लिए सामर्थ्य से हमको भरता है ताकि हम परमेश्वर के कार्यों को कर सके। और परमेश्वर के द्वारा जब हमको उद्देश्य प्राप्त होता है, परमेश्वर के द्वारा जब हमको सामर्थ प्राप्त होती है, तब हम बड़ी आसानी से इन बातों को कर लेते हैं। नीति वचन के 3रे अध्याय और 5वें और 6वें में यह लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हम लोग प्रार्थनाएं करके, अपने द्वारा, अपनी कोशिशें करके, सारी बातों की खिचड़ी बना करके परेशानी में फंस जाते हैं। बाइबल हमसे कहती है संपूर्ण मन से, पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर रहो। क्यों? उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सरल मार्ग निकालेगा। हमारे जीवन में जो संघर्ष हम करते हैं, बाइबल हमको एक सरल मार्ग बता रही है, एक आसान मार्ग बता रही है, सारी बातें बड़ी आसानी से हो जाएगी। परमेश्वर के पुराने नियम की लोगों के जीवन में हम देखते हैं बड़े बड़े युद्ध कितनी आसानी से जीत गए। क्यों? क्योंकि संपूर्ण मन से वे परमेश्वर पर भरोसा रख करके आगे बढ़ते जाते हैं। अपनी समझ का सहारा न लेना। हम लोग कई बार अपनी इच्छाएं, अपने तरीकों से, अपने मन को जो भाता है उस प्रकार से चलते हैं। बाइबल हमें ऐसा नहीं सिखाती। और यदि हम कभी अपनी इच्छाओं को, अपने मनोरथों को भी रखते हैं, तो क्या हम वो परमेश्वर को बता सकते हैं? जी हां, यदि हमारे जीवन में ऐसी कोई बात है जो हम अपनी इच्छा के समान रखते हैं, तो बाइबल कहती है परमेश्वर को जरूर बताओ, लेकिन उसके लिए एक शर्त यह है जो हमको मिलता है मत्ती रची सुसमाचार उसके 26वें अध्याय और उसके दूसरे भाग में देखिए, बाकी के भाग में देखिए। यहां पर मैं प्रभु यीशु क्रिस्त को गतसमनी के बागीचे में देख रहा हूं
और यहां पर वे अपने शिष्यों के साथ में पहुंचे थे और यहां पर वे प्रार्थना करने के लिए बैठ रहे हैं और 39वें वचन के आगे लिखा है, वह थोड़ा आगे बढ़ करके मुंह के बल गिर जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। प्रभु यीशु ने भी अपने मन की इच्छा परमेश्वर को बताई और उसके साथ में एक शब्द जोड़ दिया और वो ये था, तो भी मेरी नहीं जैसा तू चाहता है परमेश्वर वैसा ही हो। हम भी अपने जीवन की इच्छाओं, हम भी अपने जीवन के सपनों को ले जा करके परमेश्वर को बता सकते हैं, लेकिन उसके साथ में ये वाला वाक्य जरूर जोड़िएगा कि हे प्रभु जी, ये मेरी इच्छा है, फिर भी अगर आप चाहते हैं कि कुछ और हो तो आपकी इच्छा ही पूरी हो। प्रभु यीशु ने इस प्रकार से प्रार्थना किया और लिखा है 42वें वचन में एक बार फिर से जाकर के प्रार्थना करता है और कहता है, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु परमेश्वर की इच्छा को पहला स्थान देते हैं, अपनी इच्छा को पीछे ले लिए। अगर मेरे को पीना ही है, ये काम करना ही है, ये क्रूस पर बलिदान होना ही है तो मैं करूंगा, क्योंकि इसमें तेरी इच्छा पूरी होने वाली है। और आप जानते हैं जब इस प्रकार से एक बार, दो बार, तीन बार प्रार्थना करता है तो क्या हो जाता है, एक परिवर्तन होता है। लूका रचित सुसमाचार के 22वें अध्याय के 43वें वचन में लिखा है, तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया, और मालूम है ये कौन सा वाला दूत है, लिखा है वह दूत उसे सामर्थ देता था। जब यीशु ने इस प्रकार से अपने हृदय से प्रार्थना किया तो वो स्वर्गदूत आया और उसको सामर्थ देता है कि वो आगे बढ़ सकता है। और इसके बाद में आपको मालूम है प्रभु यीशु के अंदर क्या हुआ, जब सामर्थ उसे प्राप्त हुई तब लिखा है वो और भी अधिक मन से प्रार्थना करने लगा। कितनी अद्भुत बात, जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पहला स्थान देते हैं, अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का स्थान देते हैं, तब भयानक से भयानक बात भी सामने क्यों ना हो, तब सलीब भी सामने क्यों ना हो, तब मृत्यु भी सामने क्यों ना हो, हमें साहस आता है उस बात का सामना करने का। और जब इस प्रकार से होता है आपको मालूम है आगे क्या हुआ, यूहन्ना रचित सुसमाचार निकालिए और उसके 18वें अध्याय में देखिए, वहां पर लिखा है, वहां पर भीड़ उसको पकड़ने के लिए आ रही है। यीशु ने उस भीड़ से पूछा, तुम किसे ढूंढते हो? और उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम यीशु नासरी को ढूंढते हैं। और जब यीशु ने इस प्रकार से उत्तर दिया, मैं हूं, यह इस बात से जाहिर करता है कि जो लोग पकड़ने के लिए आए हैं अब यीशु भाग नहीं रहे हैं, उनके सामने अपने आप को देने के लिए खड़े हैं। उन्होंने कहा, मैं हूं। आप अगला वचन पढ़िए, आप 5वें वचन में पाएंगे फिर लिखा मैं हूं। आप 6वां वचन पढ़िए, वहां लिखा है यीशु ने कहा, मैं हूं जिसे तुम पकड़ना चाहते हो, जिसे तुम ढूंढ रहे हो, तुम यीशु नासरी को ढूंढ रहे हो, मैं तुमसे कह चुका हूं मैं हूं। अर्थात उस प्याले को, उस कटोरे को पीने के लिए अब वो तैयार हो गए। यीशु ने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, यदि ये कटोरा टल सकता है तो टल जाए, तो अभी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। फिर दूसरी प्रार्थना करते हैं, यदि ये मेरे पिए बगैर नहीं हो सकता प्रभु जी तो तेरी इच्छा पूरी हो, मैं इसको आगे बढ़ करके लूंगा। और तीन बार ऐसी दुआ करके अब वो कहते मैं हूं, लोगों के सामने खड़े होकर के बड़े साहस से कह रहे हैं मैं हूं। उन्होंने अपने आप को गिरफ्तारी के लिए दिया, वो जो पापी लोग, उसके अपने प्रजा के लोग आकर के उसको पकड़ना चाह रहे हैं कि क्रूस पर चढ़ा दे, यीशु उन बातों को जानने के बावजूद कहते हैं मैं हूं और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे रहे हैं। देखिए, ये परमेश्वर का मेमना है। और अब इस मैं हूं बोलने के बाद में तो मुझको यहूदा का सिंह नजर आता है, एक डरा हुआ सा मेमना नहीं परंतु एक सामर्थी सिंह के रूप में नजर आता है। प्रियो, कई बार हम लोगों के जीवन में, अपने हृदय में हम लोग कुछ छुपी हुई इच्छाएं रखते हैं, और यदि छुपी हुई इच्छाएं रहती हैं तो परमेश्वर की इच्छा को जानने में यह रुकावट बन जाती है।
बाइबल में परमेश्वर की इच्छाओं की बात अगर करें तो मैं ये बात बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर की इच्छा को हम दो तरीके से देखें, कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है और परमेश्वर की एक और इच्छा है जो अनुमति वाली इच्छा है। और हमें परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पकड़ करके रहना है, ना कि उसकी अनुमति वाली इच्छा को। मैं इस बात को एक उदाहरण देकर के समझाना चाहूंगा। आप गिनती की पुस्तक में आइए और उसके 22वें अध्याय में, यहां पर एक राजा है बालाक और वहां पर एक प्रभु का नबी है और वो है बिलाम। बालाक राजा ने बिलाम नबी को इसलिए बुलाया कि आकर के परमेश्वर के लोगों को श्राप दे दे। अब बिलाम इस बारे में परमेश्वर से बात करता है, बिलाम परमेश्वर का नबी है और इसलिए उससे पूछ रहा है कि परमेश्वर मुझको राजा ने बुलाया है, अब मेरे को जाना है और वहां जाकर के उनको श्राप देना है। परमेश्वर ने देखिए क्या कहा, परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को श्राप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। परमेश्वर ने अपनी सिद्ध इच्छा जाहिर कर दिया, बिलाम को बता दिया, मेरी इच्छा यह नहीं है कि तू जा करके उस राजा के साथ खड़े रह करके इस प्रजा को जिसे मैंने आशीर्वाद दिया है तू श्राप दे। राजा बालाक थोड़ा चालाक और चतुर किस्म का व्यक्ति है, अगली बार वो थोड़े और प्रतिष्ठित लोगों को भेज रहा है, ज्यादा संख्या में लोगों को भेज रहा है और अधिक अधिक तोहफों के साथ में भेज रहा है। और बिलाम की नजर जब इन पर पड़ी तो कहता है ठीक है, मैं प्रार्थना करके देखता हूं। मन के अंदर भ्रष्टता उत्पन्न होने लगी है, लालच उत्पन्न होने लगा है, वो वस्तुओं की तरफ देखने लगा है, अब परमेश्वर की तरफ नहीं देख रहा, उसे ये चीजें चाहिए और अब जाकर के फिर से परमेश्वर से कह रहा है। अब परमेश्वर क्या कहेगा उसे? वास्तव में परमेश्वर ने अपनी सिद्ध इच्छा उसको बता चुका था कि नहीं करना है, उसके बाद भी यह पीछे पड़ गया है। हम लोग भी कई बार अपने जीवन में ऐसी गलती करते हैं, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा मालूम रहने के बाद भी परमेश्वर से मांग रहे हैं, मना कर दिया फिर भी मांग रहे हैं। बिलाम को परमेश्वर ने कहा ठीक है जा, परमेश्वर ने जब कह दिया ठीक है जा, ये उसकी अनुमति वाली बात थी, ये उसकी इच्छा नहीं थी जो सिद्ध है। और जब वो जा रहा था मार्ग में, 22वें वचन में लिखा है, परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर भड़क गया। और आपको मालूम है क्या होता है रास्ते में, वो गधे के ऊपर बैठ करके जा रहा है और एक जगह गधी रुक गई, वो उसको मार रहा है क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ रही है। गधी ने सामने दूत को देख ली कि तलवार लेकर के खड़ा है। अगर आप देखें कि दूत ने बिलाम से क्या कहा, उससे कहता है कि तू उल्टी चाल चल रहा है। परमेश्वर के लोगों के अंदर भी, परमेश्वर के नबियों के अंदर भी देखिए कैसी बातें उत्पन्न हो सकती है, इसके अंदर भी एक भ्रष्टता आ गई थी। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं, आप कह रहे होंगे मैं बार बार ऐसा क्यों बोल रहा हूं बिलाम नबी के बारे में। यदि आप नए नियम में यहूदा की पत्री को खोलें, उसमें एक ही अध्याय है और देखिए 11वें वचन में क्या लिखा है, उन पर हाय क्योंकि वे कैन किसी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए। कितने दुख की बात है कि परमेश्वर हमारे मन की एक एक बात को जानता है, डांटता है और दंड भी देता है। बिलाम परमेश्वर से नहीं छुपा सका कि उसके अंदर ऐसी भ्रष्टता आ चुकी है। प्रियो, मैं कुछ व्यवहारिक उदाहरण देकर के भी आपको इस बात को समझाना चाहूंगा। मान लीजिए आप एक अच्छी नौकरी पर हैं और आपको एक और नौकरी का ऑफर आता है और इस नौकरी में आपको लग रहा है फायदा है, आपकी तनख्वाह बढ़ जाएगी, तो क्या इस नौकरी को छोड़कर के दूसरी नौकरी की तरफ चले जाएं? मेरे प्रियो, मैं चाहूंगा कि आप ध्यान दें इन बातों की तरफ कि क्या ये तीन प्रश्नों के उत्तर आप सही तरीके से दे पाएंगे। पहला प्रश्न यह है कि जिस नौकरी को मैं कर रहा हूं उसमें से जो मेरी अर्जित हो रही है, जो मेरी तनख्वाह मिल रही है, उसके अलावा भी क्या मुझको और पैसे चाहिए? दूसरा प्रश्न पूछिए कि आज इस नौकरी पर बने रहते हुए मैं परमेश्वर को जो समय दे रहा हूं और अपने परिवार को जो समय दे रहा हूं, क्या उसमें मेरे को कटौती करनी पड़ेगी? और तीसरा प्रश्न बेहद जरूरी यह पूछिएगा कि क्या मैंने वर्तमान नौकरी में रहते हुए परमेश्वर की योजना को पूरा किया है?
प्रियो, हमारे मन में बहुत सी इच्छाएं आती हैं और वे आपस में टकराती रहती हैं, परंतु नीति वचन के 19वें अध्याय और उसके 21वें वचन में लिखा है, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं उत्पन्न तो होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। हमारी बहुत सारी इच्छाएं और योजनाएं किसी काम की नहीं होगी, केवल वह जो परमेश्वर हमारे जीवन में डालना चाहता है। प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन के लिए योजनाएं लिखता है, परमेश्वर हमारे को उन बातों को पूरा करने की सामर्थ्य भी प्रदान करता है। कई बार हम लोग परमेश्वर के साथ में अपने रिश्ते में मिलावट कर देते हैं, हम लोग हेरा फेरी करते हैं और उसके बाद चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी बात को मान ले। यशायाह नबी की पुस्तक खोलिएगा, उसका 29वां अध्याय और 15वां वचन, हाय उन पर जो अपनी युक्तियों को यहोवा से छिपा करके बड़ा यत्न करते हैं और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं, हमको कौन देख सकता है या हमको कौन जानता है। छुप छुप के काम कर रहे हैं, अंधेरे में काम कर रहे हैं और ये कहते हैं कि हमको कोई देख नहीं सकता। ये ऐसा करने से क्या होता है, आपको मालूम है, परमेश्वर का वचन 30वें अध्याय के 1वें वचन में लिखा है, हाय उन बलवा करने वाले लड़कों पर जो युक्ति तो करते हैं मेरी ओर से जो नहीं रहती, वाचा तो बांधते हैं परंतु मेरे आत्मा के सिखाए नहीं, और इस प्रकार पाप पर पाप बढ़ता जाता है। पाप पर पाप बढ़ता जा रहा है, ये कौन सा पाप है? यदि आप यशायाह के 53वें अध्याय में देखें तो यहां पता लगेगा, 6वां वचन, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और अपनी अपनी इच्छा पर चले, अपनी अपनी योजनाएं हमने अपने लिए बना लिए और उसके हिसाब से चलने लगे, और लेकिन परमेश्वर ने इसी अधर्म का बोझ यीशु के ऊपर लाद दिया है। प्रियो, मैं आप लोगों को यह सलाह देना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचनों से लिप्त रहें। रोमियो के 11वें अध्याय और उसके 34वें वचन के आगे लिखा है, प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसको कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए। परमेश्वर को सिखाने की कोशिश न करें, परमेश्वर को लेक्चर देने की कोशिश न करें, परमेश्वर को अपनी बातों में फुसलाने की कोशिश न करें, परमेश्वर की इच्छा को ही खोजते रहें, उसको जानना जरूरी है। प्रभु यीशु ने यूहन्ना के सुसमाचार के 7वें अध्याय में इस प्रकार से कहा है, मैं अपनी इच्छा उसे बताता हूं जो उसे पूरा करना चाहता है। याद करिएगा, एक मसीही व्यक्ति अपने प्रारंभिक जीवन में केवल परमेश्वर की इच्छा को मालूम करने के लिए प्रार्थना करता है। आप अपने जीवन में प्रार्थना इसलिए करें कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकें, और इस कार्य में परमेश्वर का आत्मा स्वयं आपकी सहायता करेगा। रोमियो के 8वें अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, आत्मा स्वयं हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा हमारे भीतर से आहें भर भर के प्रार्थना करता है, और पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। How not to plan, योजना कैसे न बनाए। Do not pray just for God's endorsement on your plan, परमेश्वर से प्रार्थना केवल अपनी योजनाओं के लिए उसके समर्थन को प्राप्त करने के लिए न करें। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दे। Thank you for watching this telecast. Like the Berean Christians, search the scriptures yourself to see whether things are so. Share these precious truths with your friends. Encourage them to watch this telecast week after week. Do pray for this program. Support us with your offerings. God bless you and make you a blessing. Address for correspondence and contributions: R. Stanley, Number 13, Church Colony, Vellore, 632-006. Telephone 0091-9843-7076-00.